में मोदी जी की सरकार है, यहां तेलंगाना में केसीआर जी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, विपक्ष बाकी पार्टियां। केसीआर जी यहां तेलंगाना में यह राज करते हैं, मगर दिल्ली में लोकसभा में हर बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की मदद की। नरेंद्र मोदी जी ने इतना तेलंगाना की मदद की, मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, नोटबंदी के मामले में और गब्बर सिंह टैक्स के मामले में नरेंद्र मोदी जी की पूरी मदद की। पार्लियामेंट हाउस में विपक्ष के सब पार्टियों ने केसीआर जी से कहा, आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में इनकी मदद मत कीजिए, आप गब्बर सिंह टैक्स में इनकी मदद मत कीजिए, आप नोटबंदी के मामले में इनकी मदद मत कीजिए, मगर हर बार तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी की पूरी मदद की। नरेंद्र मोदी की बी टीम है टीआरएस, और उनका सच्चा नाम टीआरएस नहीं है, उनका सच्चा नाम टीआरएसएस है, तेलंगाना आरएसएस। और उनका एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना रहे और तेलंगाना में केसीआर जी, जिनका नया नाम खाओ कमीशन राव है, कि खाओ कमीशन राव जी तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर बने रहे और दिल्ली में नरेंद्र मोदी। केसीआर जी ने इतना भ्रष्टाचार किया है, मोदी जी के पास सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसीलिए मोदी जी के हाथ में तेलंगाना का रिमोट कंट्रोल है, और जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं वो केसीआर जी करते हैं। पार्टनरशिप है केसीआर जी की नरेंद्र मोदी जी की, और बीच में एमआईएम भी शामिल है। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, एमआईएम के लोगों ने महाराष्ट्र में टिकट हर कंस्टिट्यूएंसी में दिया बीजेपी की मदद करने के लिए। असम में चुनाव हुआ, एमआईएम का कुछ नहीं असम में, मगर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए हर कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने टिकट दिया बीजेपी की मदद करने के लिए। तो भाइयों और बहनों, बीजेपी इनकी ए टीम है, बी टीम टीआरएस है और सी टीम एमआईएम है, और इन तीनों को पहले हम गठबंधन के साथ तेलंगाना में हराने जा रहे हैं और गठबंधन की यहां सरकार बनाने जा रहे हैं, और फिर 2019 में मिलकर पूरे हिंदुस्तान में हम नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे, आरएसएस को, बीजेपी को दिल्ली से हटाएंगे और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार दिल्ली में लाएंगे। आपके सामने चुनाव है और सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को रोजगार देने का है। कुछ दिन पहले एक युवा ने केसीआर से सवाल पूछा, केसीआर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, तुम्हारे बाप को जवाब दूंगा। युवाओं का अपमान किया, यह युवाओं का प्रदेश है और यहां युवाओं का कोई अपमान नहीं कर सकता है। केसीआर जी, आप तेलंगाना के युवाओं से माफी मांगो कि आपने उनको रोजगार नहीं दिया, और जो काम आपने नहीं किया वो काम कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार यहां करने जा रही है। हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। भाई और बहनों, रात का समय है, आप दूर दूर से आए, तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।